हेलो फ्रेंड्स, कैसा सोलो। मैं शुभम और आज हम लोग दोबारा चल रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइवर 3D। सो ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि एकदम GTA 5 से इंस्पायर्ड है। इसके कंट्रोल्स तो एकदम पूरे GTA 5 की तरह है और हम लोग इसमें GTA 5 की तरह बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम लोग GTA 5 की तरह इसमें चीट कोड भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज हम लोग यही करने वाला है, इसमें चीट कोड यूज़ करके कुछ कार स्पॉन कराने वाले हैं और उसे ड्राइव करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। सो मज़ा आने वाला है, जस्ट स्टार्ट करते हैं गेम को। बाकी अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना बोले आप लोग करते नहीं है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं गेम को, बाकी हमने स्टार्ट कर दिया है गेम को। ओके, सो अभी मैं करने जा रहा था चीट कोड यूज़। सो मुझे अभी कोई चीट कोड याद करना होगा, याद तो मुझे बहुत सारे चीट कोड है। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 1000 ट्राई करके एक बार। और यहाँ पर आ चुकी है हमारी फॉर्चुनर। ओ भाई, एकदम ब्लैक कलर में मस्त फॉर्चुनर है। और भी चीट कोड यूज़ करेंगे, एक ही चीट कोड नहीं। सो इस बार मैं ट्राई करने वाला हूँ 2000, और ये शायद रोल्स रॉयस का है। हाँ, और भाई रोल्स रॉयस भी आ चुकी है हमारी, रोल्स रॉयस फैंटम, इसे भी चलाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। बाकी और भी गाड़ियाँ स्पॉन कराते हैं, अभी अभी हमारा मन नहीं भरा है, एकदम पूरा गाड़िया का काफिला लगा देना है। और यहाँ आ चुकी है कावासाकी निंजा H2R, और भी गाड़ियाँ मैं स्पॉन करवाने वाला हूँ। 3333 4 3। हाँ, मुझे याद था ये लैम्बोर्गिनी की है। और भाई अब मैं जो कार मंगाने वाला हूँ वो मतलब एकदम मस्त कार है, पहले देखो उसको, ये देखो। और ये आ चुकी है भाई अपनी स्कॉर्पियो, इसको भी चलाने में मज़ा आएगा। और भी बहुत सारे चीट कोड याद है, एक चीट कोड मुझे मतलब समझ में नहीं आता है, मैंने ट्राई अभी तक नहीं किया, मतलब वो चीट कोड 555 सही है, ये वो चीट कोड है जिससे एक एयरप्लेन भाई स्पॉन हो जाती है। हाँ भाई, लिटरली एयरप्लेन स्पॉन हो गई, क्या हम इसे उड़ा भी सकते हैं शायद से। तो फ्रेंड्स, इस एयरप्लेन को देख के मुझे एक आइडिया आया है, क्या मैं इस एयरप्लेन से इस गेम का जो मैप है उससे बाहर निकल सकता हूँ, ये भी हम लोग ट्राई करेंगे बाद में, अभी नहीं। अभी हम लोग कार चलाने वाले, तो मैं सबसे पहले चलाने वाला हूँ अपनी रोल्स रॉयस। तो साउंड भी आ रही होगी कार की बहुत ज़्यादा, तो साउंड को थोड़ा कम ले। ओके, सो अब चलाते हैं कार को, एकदम कार में बैठते हैं पहले। अच्छा, उस साइड से बैठना है भाई, कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक कर दिया है गेम को GTA 5 की तरह। वैसे GTA 5 में दोनों ओर से कहीं से भी बैठ जाता है, लेकिन इसमें भाई इधर आना पड़ेगा तुमको बैठने के लिए, ये थोड़ा मतलब ठीक ही है वैसे, कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। लेकिन और हम लोग अब चलाने वाले हैं अपनी रॉल्स रॉयस, और भाई मस्त चल रही है, मतलब स्पोर्ट्स कार की तरह आवाज़ आ रहा है इसका, शायद ये फैंटम की स्पोर्ट्स मॉडल है। और भाई दरवाज़ा खुल गया है भाई, क्या हमने कहीं लगता है मिला दिया है। ओके, थोड़ा मस्त है, मतलब कंट्रोल आराम से हो जा रही है। ओ भाई, से ठुक भी है तगड़ा वाला, और घुमा लेते हैं इधर और चलते हैं फिर जहाँ से हम आए थे। जैसे मैं इधर और इधर घुमा रहा हूँ तो मस्त मिल जा रहा है। हाँ, तो ये कार लगी हुई है सारी, और ये सामने मैंने पता नहीं किस में आकर ठुक दिया है, और वो एकदम भाई कितना मजबूत था। अपनी रोल से इसका बम्पर जो है निकल चुका है, कोई बात नहीं। ओ भाई, मैंने अपनी एयरप्लेन भी ठोक दी, कोई बात नहीं, साइड में। और मैं मुझसे नहीं चलने वाला इस गेम में कार, मैं उतर रहा हूँ इससे भाई। रॉस इस वैसे अच्छी कार थी, चल भी मस्त रही थी। और हम लोग अब ट्राई करने वाले हैं अपनी स्कॉर्पियो, बाकी लैम्बोर्गिनी और कावासाकी निंजा इसकी भी ट्राई करेंगे, लेकिन पहले स्कॉर्पियो ट्राई करते हैं, ये अपनी फेवरेट कार है। तो बैठते हैं, ओ यार उस साइड से बैठना पड़ेगा। और ये भाई, ये क्या ग्लिच है क्या, एयरप्लेन अपने आप पीछे जा रही है, लुढ़क के जा रही होगी, शायद कोई ग्लिच भी हो सकता है, कोई बात नहीं। हम लोग अपनी स्कॉर्पियो में बैठते हैं, और ये है स्कॉर्पियो, और जिसमें हम लोग बैठ चुके हैं। इंटीरियर भी एकदम मस्त है, इंटीरियर वैसे हम लोग देख सकते हैं या नहीं। ओ, और गाइस मैं आपको एक और दिखाता जा रहा था, एकदम मतलब ओ भाई। हाँ, मैं दिखाने वाला था, ये हमारा घर बड़ा सा एकदम है, और जहाँ लगी हुई है एक बाइक जिसको मैं बार बार गिरा देता हूँ आने के वक्त। तो अभी मैं चलाने वाला हूँ अपना निंजा H2R। तो देखते हैं इस गेम में ये कितना स्पीड पकड़ पाता है, वैसे स्पीडोमीटर ही नहीं है इस गेम में भाई, एक स्पीडोमीटर होता तो मज़ा आता, तो वैसे भी ठीक है वैसे।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई ठोक दिया मैंने, इसके कंट्रोल एफपी भी नहीं चलाने में मज़ा आ रहा था, वो जो काफ थी अपनी स्कॉर्पियो, और भाई स्पीड पकड़ रहा है इसमें भी, और भाई ठोक ही दिया था लगभग, लेकिन लोग बच गए। और इधर से हम लोग उड़ाने वाले हैं इसको, और उड़ा नहीं रहे थे। ओके तो बहुत गाड़ियाँ चला लिया करते हैं जहाँ से हम लोग आए थे, और इधर ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हुआ। ओके तो हम लोग अब जाने वाले हैं इधर, और यहीं से हम लोग आए थे इसको, यहाँ आ चुके हम लोग। और डिस्क ब्रेक भी है इसमें जिसको मैंने मार दिया है। ओके तो अब हमारी रह चुकी है ये लैम्बोर्गिनी फॉर्च्यूनर, और एयरप्लेन क्या चोरी हो गया? कोई बात नहीं, हम लोग के पास अनलिमिटेड हम स्पॉन करवा सकते हैं वो गाड़ियाँ। तो अभी मैं चलाने वाला हूँ भाई अपना एयरप्लेन, भाई मजा आने वाला है, चला के देखते हैं बस। चल जाइए, ओ भाई आ चुका है बटन चलाने वाला, और हम लोग बैठ चुके हैं एयरप्लेन में। ओ भाई इसके कंट्रोल्स भी मस्त है वैसे। तो हम लोग एयरप्लेन को अभी आगे को बढ़ा रहे हैं, और भाई भीड़ गया भाई। मैंने ब्रेक दिया लेकिन ब्रेक लगा नहीं टाइम पर। ओके तो पहले इसको इधर से निकाल लेते हैं, उसके बाद अपना उड़ाते रहेंगे। और भाई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? एक खंबा है, मतलब खंबा के आर पार नहीं हो सकता क्या? एक मिनट। ओके गाइस तो अभी हमारे साथ हो चुका है एक तगड़ा वाला ग्लिच, मतलब मेरा एयरप्लेन जो था वो अभी तक उड़ा भी नहीं था, और जैसे मैं ही ये एयरप्लेन से बाहर निकला मैं सीधा आसमान से आके गिरा हूँ यहाँ पर। ये भाई गेम वालों थोड़ा सुधार दो, मतलब अभी तक प्लेयर मेरा उड़ा भी नहीं था और मैं सीधा ऊपर से गिरा हूँ, और भाई इस लैम्बोर्गिनी ने मुझे ठोक दिया है। सो इसका बदला हम लोग लेने वाले हैं इससे, ये तुम लोग जानते होगे स्टिकी बॉम्ब है, और स्टिकी बॉम्ब से इधर जा रहा है, मैं इस पर लगा रहा हूँ। तो ये क्या भाई ग्लिच है ऐसा? मतलब मैं लगा रहा हूँ उधर लेकिन लग रहा है इधर, आगे लगा के देखते हैं। ओ भाई मतलब ये हो क्या रहा है? कोई बात नहीं, अगर वो भी लग चुका है ये भी हो जाएगा। और हमने भाई सारे स्टिकी बॉम्ब उधर जा रहे हैं। एक मिनट भाई, अभी मत निकलियो। तो हम लोग हाथ खाली कर लेते हैं और मोबाइल निकल रहा अपना, और ओ भाई पटाखे बज गए, मज़ा आ गया भाई। सो इसको रखते हैं अंदर। ये देखो भाई अपना एयरप्लेन भी जा चुका है, और इसका मलबा देखो यहाँ पर आ हुआ है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, कमेंट करके बताइएगा आपको ये गेम प्ले वीडियो कैसी लगी। और मैं तो इस प्लेन को उड़ा ही नहीं पाया, लेकिन अगली वीडियो में मैं इस प्लेन से इस ये जो गेम का मैप है उससे बाहर निकलने वाला हूँ, तब देखेंगे क्या होता है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो ये गेम प्ले कैसा लगा आपको कमेंट बताइएगा, और मुझे ये गेम आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।